पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने वाले प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक युद्ध का साक्षी रहा है साकरोदा गांव का या छल्ला सिंह का परिवार। अगर आपको देशभक्ति का जज्बा देखना है तो बागपत के साकरोदा गांव में देखिए, जहां इस देश की सेवा करने के लिए इस परिवार ने अपनी कई पीढ़ियां न्यौछावर कर दी। इस समय मौजूद हम बागपत जिले के साकरौद गांव में, जहां एक परिवार ने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अभी तक अपनी देश की सेवाओं में लगा हुआ है। तो आइए मिलते हैं इस परिवार के परिजनों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनपाल सिंह है, मैं एक्स फौजी हूं। हमारे खानदान ने इस तरीके से देश की सेवा करी है कि हमारे बाबा चार भाई थे, उनमें से तीन भाई जो है फौज में भर्ती थे, जो हैदराबाद ग्रुप में थे। हैदराबाद की ग्रुप की तरफ से ही आइफा की लड़ाई जो इजराइल की थी, उसमें मेरे पिताजी ने बड़ी बहादुर से लड़ाई लड़ी। उनको 2 रुपए पर महीने की पेंशन मेरे दादी जी को आती थी, और जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। फिर मेरे पिताजी चौधरी राम सिंह जी, वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज में रह करके द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। मैं जो है, हम दो भाई रतनपाल सिंह और ओमवीर सिंह, दोनों जो है कारगिल की लड़ाई में थे, जो भारतीय सेना में सिग्नल कोर में एज ए मैकेनिक थे। मेरा लड़का अभी टेक्नीशियन एयरफोर्स में है, जो अभी जामनगर में पोस्टेड है। वो जो है अभी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। आपका बेटा भी फोर्स में है, देश की सेवा कर रहा है। आपका परिवार भी फोर्स में है, यानी देश की सेवा करता रहा है। आगे भी आपका परिवार देश की सेवा करने के लिए मौजूद रहेंगे क्या? जी हाँ, हमें अपने खानदान पर गर्व है। हमारा फौजी खानदान जो है हमेशा इस बात को चाहेगा कि जिस तरीके से हमारे खानदान की परंपरा रही है, फौज की सेवा की है, देश की सेवा की है, उसी तरीके से आने वाले मेरे लड़के के, अगर लड़के भी जो फौज में जाने की कामना करते हैं, वे भी देश की सेवा करें और दुश्मन के दांत खट्टे करें। तो देखिए कि ये फौजी की क्या लालसा है कि हमारे बेटे के बेटे भी होंगे तो वो भी देश की सेवा के लिए मैं उन्हें भेजूंगा।